नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से परेशान है और उन सभी समस्याओं में ग्रहों की भूमिका अहम होती है, जिनको ज्योतिष के बहुत ही छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। मगर ऐसे उपाय किसी ज्योतिष गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। आपकी इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम हाजिर हैं कार्यक्रम नक्षत्र के साथ। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आज का पंचांग, दैनिक राशिफल और आपकी कॉल्स के जरिए आचार्य जी करेंगे आपकी सभी समस्याओं का निदान, जिन्हें डेट ऑफ बर्थ और टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ आपकी आवाज़ से ही पूरी कुंडली आपकी जान लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। शनियो देवेरभिष्ट आपो भवंतु पीते शनियो रविश्रवंतु नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामर्तन संभूतम तम नमामि शरेश्वरम। इस प्रकार से प्रणाम करते हुए और वंदना करते हुए साथ के साथ नवग्रह काल गणना में रात्रिमान और दिनमान दोनों के स्वामी का प्रभाव, सूर्य और शनि का प्रभाव उत्तमता सिद्ध करते हुए इसके आगे कैसे आपकी पीड़ाएँ हरी जाएँ या जो भी समस्याएँ चल रही हैं, समसामयिक समस्याएँ छोटी बड़ी कई प्रकार की, उनको किस प्रकार से ग्रहों से अनुकूलन करके उन समस्याओं को दूर किया जा सके जिससे कालगणना का आपके ऊपर शुभ प्रभाव पड़े। यथाशक्ति यथासंभव जो भी ज्ञान हमारे पास है आपकी सेवा में हर रोज की तरह सादर उपलब्ध है। और अब आज के पंचांग के बारे में जानेंगे। आज दिनांक 12 मई 2018, दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष और द्वादशी तिथि का मान लगा हुआ है। शुभ समय 12:12 से 1:48 दोपहर कालिक से दुआ है। राहु काल पुनः 8:42 से 10:22 सुबह सिद्ध हुआ है। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद के बाद सूर्योदय कालिक नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, बाकी दिनमान रात्रिमान में रेवती का भी प्रभाव रहने वाला है, तो उत्तरा भाद्रपद और रेवती का प्रमाण लेते हुए शनिवार श्री पंचक नक्षत्र और साथ के साथ द्वादशी तिथि का मान ये बताता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ अनियमितताओं के चलते दिक्कत आ सकती है, उसको दूर करने के लिए आज का पंचांग दिवस मास दिवस आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आप अपने रोगों को, शोकों को और तकलीफों को दूर करें शनिदेव की कृपा, और साथ के साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पंचक नक्षत्र का प्रमाण स्वास्थ्य और सुखी रहने की दृष्टि से आज आपको पंचांग बहुत बहुत आज के लिए भारत समाचार के दर्शकों के लिए बहुत बहुत आज के पंचांग की शुभकामनाएं। और अब आज के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं, क्या कहते हैं दैनिक राशिफल। राशि का प्रभाव, प्रथम राशि मेष राशि, परिवार के साथ आपका समय बीतेगा और साथ के साथ आपको संतान का अच्छा सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। कुल मिला के उत्तमता सिद्ध होती हुई मेष राशि क्या करना है, हल्दी वाले आटे की पूड़ी बनाकर गाय को खिलाएं। यदि उत्तम समय है तो उत्तम समय में और पुण्य कमाने का कार्य करके उत्तमता अधिक सिद्ध करनी चाहिए, यह कर सकते हैं मेष राशि वालों। और छोटा सा किया हुआ कार्य आपको किस प्रकार से उत्तमता प्रदान करेगा, लेकिन अपनी भावनाएं जो भी है अंदर ना रखें, यानी कुंठा को प्रवेश ना दें अपने हृदय में, आप संकोच ना करें, बोले बताएं अपनी बात रखें। वृषभ राशि, दिन में आपको बहुत ही आज के दिनमान में प्रसन्नता का अनुभव होगा और जो भी कार्य आपने हाथ में लेंगे वो उसमें आप सफल भी होंगे। क्या करें, श्री हनुमान जी का आसरा ले लें, गुड़ चढ़ाकर किसी जरूरतमंद को मदद जरूर कर दें। आप पाएंगे वृषभ राशि वालों किस प्रकार से आपका धन धान्य बढ़ा है। कभी भी किसी भी गरीब पर क्रोधित ना हो, और कभी भी के साथ साथ आज खास तौर से पंचांग इंगित करता है कि ये नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, परेशान व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए ये दिन अच्छा रहेगा, आज आप किसी की मदद करेंगे। क्या करना है, आज शनि मंदिर में जाएं और बताशा, मीठा बताशा होता है सफ़ेद रंग का श्वेत, तो उसको आप अर्पित करें। 2 बार से ज़्यादा नमक, नमक से संबंधित भोजन ना करें। कभी कभी अपने आपको व्यक्तित्व को सुधारने के लिए किस प्रकार से तारतम्य बनाना पड़ता है ग्रहों से,
कर्क राशि वालों, नई योजनाएं आपकी बनेंगी और साथ के साथ आपके जो अपने प्रोफेशनल से, प्रोफेशन यानी कार्य से संबंधित जो भी आपके संबंध हैं, रिलेशन हैं, वो भी मजबूती की तरफ जाते हुए देखे जा रहे हैं। क्या कर लें, शुभ कार्य छोटा सा करना है, केवल एक दो घूंट गंगा जल ही तो पीना है, इसको पी लें और गंगा जल का प्रभाव आप देखें किस प्रकार से आपको पूरे दिन शांति का अनुभव देगा। आज सायंकाल 7 बजे के बाद व्यायाम, योग या शारीरिक रूप से थका देने वाली क्रियाओं को ना करें। शनिदेव के दिन आप ध्यान रखें। सिंह राशि वालों, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, संतान से भी आपको सुख मिलेगा। तो सिंह राशि वालों का शनिदेव के दिन यानी शनिवार वाले दिन आज रेवती नक्षत्र और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रमाण पर अच्छा मिल रहा है। आज अपने बच्चों के हाथ में काला धागा बांध सकते हैं। शुभता को बढ़ाने के लिए छोटा सा कार्य करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और साथ के साथ 10 बजे से 11 के मध्य प्रातः काल में किसी भी प्रकार का ध्यान, क्योंकि ध्यान भंग हो जाने का समय है वो, इसलिए ध्यान लगाने के लिए वो समय आपके लिए उचित नहीं रहेगा। सिंह राशि वालों, ये ध्यान आपको रखना है। छोटी छोटी बातें हैं और उसको करते करते आपको आगे बढ़ना है किसी प्रकार से। सिंह राशि वालों, सूर्य की अपनी राशि है और कंसंट्रेशन की भी एक राशि है ये। कन्या राशि वालों, तरक्की के आपके योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं और जो भी आपके पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, मित्र बंधु बांधव हैं, वो आपको भरपूर सहयोग देने की तरफ बढ़ेंगे, आपको सहयोग भी अच्छा प्राप्त होगा। क्या करना है, शुभता और बढ़ा लें, पानी में 2 बूंद गुलाब जल ये डाल लें और इससे आप प्रातःकालिक स्नान अवश्य कर लें। ये आज आपको छोटी सी क्रिया करनी है। आज घर में किसी भी प्रकार से टूटे हुए बर्तन और साथ के साथ मलिन बर्तन ये नहीं रखना है, इसको निकाल देना है और अपने घर की निस्तेजता को भंग होने से बचाना है, ये ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को। तुला राशि, शुक्र की मूर्ति त्रिकोण राशि, सामाजिक मामलों में आप सक्रिय रहेंगे, आपका समय सक्रिय होगा और आपका समय जब सक्रिय होगा सामाजिक कार्यों में, सामाजिक मामलों में, तो आप पुराने कुछ कार्यों को भी पूरा करने की तरफ द्रुत गति से दौड़ेंगे, जाएंगे, करेंगे, कार्य करेंगे। लेकिन ज़रूरत यह है कि आप सुबह सूर्यदेव को प्रणाम और सूर्यदेव को अर्घ इत्यादि आप कर सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि वालों का प्रमाण भी अच्छा प्राप्त होता हुआ, तुला राशि का प्रमाण ये बताता है कि किस प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में एक बैलेंस बना के चले। सायंकाल के बाद घर में किसी भी प्रकार से अंधेरा ना रखें, किसी भी जगह कहीं भी आज थोड़ा सा प्रकाशित रखने का समय रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, प्रभावशाली व्यक्ति को आपको सहयोग मिलेगा और प्रभावशाली व्यक्ति को आप सहयोग देंगे और आपको भी, क्योंकि आप स्वयं प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आपको भी सहयोग मिलेगा। साथ के साथ ये तीनों बातों के साथ धन लाभ भी होगा, धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। क्या करना है, शुभ कार्य कर लीजिए, एक दुर्गा माँ के मंदिर में लाल चूड़ियाँ आप चढ़ा दीजिए, आप पाएंगे कि मंगल की राशि और मंगल की राशि से किस प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। आज किसी से शत्रुता वाला व्यवहार या किसी प्रकार से आप इस प्रकार से व्यवहार ना करें जो किसी के मन में दुश्चिंता या कलह इत्यादि ले आए, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कोई बात नहीं है, दिन सामान्य, सामान्य से भी अच्छा और मध्यमता से उत्तमता की तरफ जाता हुआ। वृश्चिक राशि वालों को ये प्रमाण ध्यान रखना है। साथ के साथ धनु राशि वालों को की अगर हम बात करें तो आपके कुछ प्रमोशन के, कुछ रुके हुए कार्यों में आगे बढ़ने के योग हैं। साथ के साथ विदेश यात्रा का भी अच्छा सो अवसर प्राप्त हो सकता है। क्या करें, भगवान राम या विष्णु जी के मंदिर में चंदन आप चढ़ा सकते हैं, बहुत ही शुभ कार्य है। कभी भी किसी की गलती पर माफ़ करने से पीछे ना हटें, ये भी ध्यान रखना है। और चूँकि शब्द लिखा है कभी भी, इसका मतलब हमेशा ये आदत बना लीजिए और आज से ही शुरू कर दीजिए। मकर राशि, धार्मिक कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव आप कर सकते हैं, अपना कुछ धार्मिक कार्य भी करेंगे, साथ के साथ कार्य क्षेत्र में बदलाव के मौके भी आएंगे और बदलाव करने की सोचेंगे भी। क्या करना, आज भैरव जी के मंदिर जाएं और वहां पे घी का दीपक जरूर लगाएं, आप पाएंगे कि किस प्रकार से लाभ होगा। आज ना नाम के व्यक्ति से किसी भी प्रकार से सलाह ना लें और ना सलाह दें, मकर राशि वालों ये ध्यान रखने वाली बात है। कुंभ राशि, दोस्तों की सलाह माने आप, घर में कोई खुशखबरी आएगी, कोई अच्छी बात आएगी और आप जिस प्रकार से अपने लोगों की, मित्र बंधु बांधवों की आप
सलाह पे चलेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे चल के सीढ़ियाँ किस प्रकार से आप चढ़ेंगे और लाभान्वित भी होंगे धीरे धीरे। कुंभ राशि वालों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है घर या ऑफिस की पश्चिम दीवार में, जो भी पश्चिम की दीवार हो वहाँ पे यदि ताक हो या नहीं भी हो तो स्टैंड लगा के दीपक लगा दें वहाँ पे। और दूसरी, कभी भी कोई भी पेड़ ना काटें, ये भी चूँकि कभी भी है शब्द, फिर ध्यान रखिए ये आदत में डाल लीजिए। मीन राशि वालों, मनोबल में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास के कार्य करें। मीन राशि वालों का आज मनोबल भी बढ़ रहा है और पूरे विश्वास के साथ कोई कार्य करें, क्योंकि विश्वास में कमी आएगी तो कार्य भी आपके लटक सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। मीन राशि का प्रभाव क्या करें, सिंदूर में चमेली का तेल मिला लें और हनुमान जी को एक जैसे कह सकते हैं चोला चढ़ाना, वो आप कर सकते हैं। आज सायंकाल के बाद तालाब बुला खाना ना खाएं। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियाँ, गागर में सागर, क्या करें क्या ना करें, रोज की तरह अपने लिए भी देखिए, अपने अपनों के लिए भी देखिए। छोटी छोटी बातें हैं, लोगों को बताते रहिए। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार की भावना को सुदृढ़ करते हुए लोगों को और अपनों को आप शीतल करें और लोगों को भी शीतल करिए। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ। और अब आज के विषय पर आते हैं कि भगवान श्री राम के किस नाम को लेने से कल्याण होगा। बहुत ही चमत्कारी भगवान लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। इस प्रकार से जो वैदिक और वैदिक के साथ साथ जो भी शास्त्रों के अनुकूल जो घोष हुआ है, सो एक नाम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को, और जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। भगवान राम के समान प्रभु कहीं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सुर नायक और साथ के साथ सुंदरता, शीतलता और तमाम समस्याओं को जिस प्रकार से दूर करते हैं, जैसे अगर कहा गया है तो हनुमान जी जिनके सेवक हैं और जिनके सेवक हनुमान जी हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। इस प्रकार से आठ प्रकार से शक्तियां और आठ प्रकार के नाम जब हनुमान जी के हुए, तो जब सेवक हैं हनुमान जी तो आठ प्रकार के, तो स्वामी के नाम हो गए 16 और वो 16 नाम हो गए शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। इस प्रकार से 16 नाम स्वामी के और 8 नाम सेवक के। सेवक के बारे में तो क्या कहना, तो जब सेवक के बारे में क्या कहना, तो भगवान राम का नाम संपूर्ण है, चमत्कारी चमत्कारी के साथ साथ संपूर्ण नाम है। इसमें रकार अकार और मकार यानी अग्नि सूर्य और चंद्र इनका प्रभाव देखा गया है, यानी अग्नि का, सूर्य का, चंद्र का, यानी रात्रिमान भी शुभ, दिनमान भी शुभ। और अग्नि, अग्नि का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति जगत स्थिति संघार कारणी क्लेश हारणी सीता मां नमोस्तुते, इस प्रकार से कहा गया है। और इसके साथ साथ जब भी कभी छोटी बड़ी कैसी भी समस्या हो, चाहे सेहत से संबंधित समस्या हो, अगर सुबह 108 बार नाम भगवान राम का जप लेते हैं तो आप निश्चित रूप से इसका आप फायदा उठा सकते हैं। और फायदा ही नहीं, एक चमत्कारिक रूप से चेंज आ जाता है जीवन में। श्री राम के रमापति नाम का बड़ा अद्भुत प्रमाण मिलता है। इसका अगर रमापति नाम का अगर जप करते हैं तो वैदिक वैवाहिक समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। अवधेश नाम यदि ले लेते हैं तो इसके नाम को जप करने से अवधेश रोजगार की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है। रघुनाथ अगर इसका नाम ले लेते हैं, जाप करते हैं, तो रघुनाथ का नाम जपने से शुभता ही शुभता आ जाती, जीवन में एकाग्रता बढ़ जाती है, जीवन में सौम्यता बढ़ जाती है। कौशल नंदन का अगर आप नियमित जप करें, कैसी भी संतान से संबंधित समस्या हो, संतान ना हो रही हो, तो उसके बारे में उसमें बहुत विशिष्ट
परिणाम आपको मिल जाते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। इस प्रकार से आप इसका भी आसरा ले सकते हैं। जैसे अगर कहा गया है, नरो न लिप्यते पापैर भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति, यानी जिस प्रकार से भगवान राम का नाम लेते हैं तो नरो न लिप्यते पापैर भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति, किसी भी प्रकार के पापों में लिप्त हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जगत जैत्रैक मंत्रेण राम नाम नाभिरक्षितम या कंठहे दारे तस्या करस्ता सर्व सिद्ध्या। यदि इस प्रकार से अगर कंठस्थ करते हैं राम श्री राम का नाम और कंठस्थ करते हुए जप करते हैं तो ये भी देखा गया है करस्ता सर्व सिद्धया, यानी एक दो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे समस्त सिद्धियों की बात हो रही है। लेकिन राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। ये डिमडिम घोष है, निश्चित रूप से सारा अंधेरा छट जाता है। और निश्चित रूप से यदि आप राम नाम मणिदीप धरो और जीह देहरी द्वार, यानी जीभ से ओठ से जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुकारी। किसी भी प्रकार का कुसंकट हो, संकट तो संकट से भी बढ़ के होता है कुसंकट, तो वहाँ तक मिट जाता है। जप ही नाम जन आरत भारी और मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी, तुरंत उसको आप इस प्रकार से अगर हम देखें तो भगवान राम के नाम की महिमा का क्या कोई बखान कर पाएगा। लेकिन साथ के साथ अगर हम देखें तो अगर आप छोटी छोटी समस्याओं से ग्रसित हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं, यानी संकट है तो भी शुभ और कुसंकट है तो भी शुभ, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिनके स्वयं सेवक हैं अतुलित बलधामम, तो जब स्वयं सेवक हैं अतुलित बलधामम तो उनका नाम सो एक नाम अकाम हित निर्माण प्रतिसम आन को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदासों पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। इस प्रकार से भगवान राम के नाम में अचूक ही नहीं, बिल्कुल जिसको कह सकते हैं आप पूर्ण विश्वास से पूर्ण श्रद्धा से केवल नाम और जिस भी प्रकार से कैसे भी भाए कुभाए अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। ये भी बात ध्यान रखिए, किसी भी भाव से करिए हमेशा मंगल होगा। और अब पहले कॉलर को ले लेते हैं, त्रिपुरारी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिपुरारी आचार्य जी से आप क्या जानना चाहते हैं, सीधा सवाल कर सकते हैं। आप अपना सवाल कीजिए त्रिपुरारी जी। सीतापुर से अगले कॉलर जुड़े हैं, आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मैं मीरा बोल रही हूँ सीतापुर से। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद, प्रश्न करिए अपना। जी पंडित जी, मैं अपनी भतीजी के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसकी शादी नहीं हो रही है। 1 सितंबर 1988 रात के 11 बजे उसका जन्म है, तो बताइए पंडित जी किस दिशा में उसकी शादी होगी और कैसा वर मिलेगा, सरकारी मिलेगा कि प्राइवेट में मिलेगा। देखिए एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये बहुत सारे दर्शकों के कल्याण के लिए है, इसमें एक बार की पूरी बहुत कहानी नहीं होती है। आपका एक प्रश्न पूछिए और बड़ा विनम्र निवेदन है कि एक प्रश्न पूछ के दूसरों का समय। आपने ये पूछा विवाह, विवाह के समस्या के लिए बाधक है और बाधकता आपकी जो दूर होगी वो 14 अगस्त के बाद ही दूर होगी, उससे पहले नहीं, ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव अगर अच्छा नहीं दिख रहा होता है तो निश्चित रूप से सफ़ेद गाय और भूरे गाय की गौ सेवा इससे कराइए। तीसरी बात यह है, ये स्वयं अपने घर में खरगोश को पाल ले और उससे अपने हाथ से हरा चारा खिलाइए। 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो अचूक उपाय होते हैं। शेष शुभ। सूर्य प्रकाश अगले कॉलर हैं हरिद्वार से। सूर्य प्रकाश जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सूर्य प्रकाश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आचार्य जी से। चलिए कोई बात नहीं, राकेश अगले कॉलर है हमारे साथ धनबाद से। राकेश अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप आचार्य जी से। ये मार्च 2013 में मुझ पर कुछ नौकरी संबंधी कुछ
आरोप लग गया जिसमें हमको कोई गलती मेरी नजर नहीं आती है जी। ये कोर्ट केस चल रहा है, ये मेरे पक्ष में रहेगा या क्या होगा, कब तक इसका डिसीजन होगा? देखिए, आपने 2013 का जो प्रमाण बताया है और 2013 के प्रमाण से जो मिनिमम समय निकल रहा है तो 6 साल 3 महीना 18 दिन, अब उसमें आप जोड़ लीजिए कि कब तक आपको रिलीफ मिलने की तरफ है, ये कंप्लीट डेट है जब तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। 2018 का दूसरा पक्ष ये भी आपके पक्ष में जाता हुआ देख रहा है। इस समय सूर्य के गोचर की इस समय चूँकि प्रधानता है, इसलिए आपको इसमें मिलने में आप एक कार्य और भी कर सकते हैं। आप एक जगह अपने घर में जरूर रामा श्यामा तुलसी का पौधा लगाइए और दूसरी बात यह है शनिकृत दशरथ स्तोत्र का पाठ इत्यादि जरूर करिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के ही स्वामी हैं और वो आपको अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर की तरफ मुख आपका होना चाहिए जिस समय आप ये स्तुतियाँ कर रहे हों, इससे आपको अच्छा प्रभाव भी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि काली हल्दी ये ले लीजिए और इसके मिला के इससे आप स्वास्तिक बना लीजिए अपनी फाइल में, जो आपका कार्य जिससे आपका बनना है। इतना कार्य आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में इसका प्रभाव शुभ दिखेगा। शेष फिर कभी। वंदना हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। वंदना जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आचार्य जी से सीधे। आचार्य जी, मेरा जन्म 2 अप्रैल 1965 को हुआ था। अभी दिवाली के एक दिन पहले मेरे घर में आग लग गई थी और उसके बाद। वंदना जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं दिवाली के एक दिन पहले हमारे घर में आग भी लग गई थी और मेरे पति रिटायर हो चुके हैं, हमारे यहाँ पैसे का कोई साधन नहीं आने का। जी, ये धन से जुड़ा हुआ सवाल है। आवाज़ नहीं आ रही है आचार्य जी, लेकिन जी, कंट्रोल रूम में बात हुई है। उनके घर में दिवाली में आग लग गई थी जी, वो उपाय जाना चाह रहे जी, और घर में जो घर की आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है जी, ये उपाय जाना चाहते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि तकनीकी खराबी के चलते आपकी आवाज़ बिल्कुल दर्शकों की नहीं आ पाती है। दर्शकों का प्रश्न तो आ जाता है, प्रश्न हमने सुन लिया है आपका और जिस प्रकार से आपने ये पूछा है। और एक बात जरूर है, ये भी कहा गया है जहाँ पे दाह हो जाता है यानी आग इत्यादि लगती है, उसके बाद वहाँ से 9वें 12वें और 16वें महीने में निश्चित रूप से कुछ सफलता प्राप्ति के योग भी दिखते हैं। तो आपने जब भी आपके वहाँ जो भी आग लगी थी उस दिन से आपने कैलकुलेट करेंगे तो 9वें 12वें और 16वें महीने में निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति तो अच्छी सुधरती है और किसी प्रकार का कोई एक दोष का नष्टीकरण भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दाह होना अच्छा होता है, लेकिन ये प्रमाण मिला है जहाँ जहाँ भी हुआ है, खास तौर से अगर कमर्शियल जगह पे हुआ है वहाँ निश्चित रूप से पहले से अच्छा कार्य होता है, ये भी कहीं ना कहीं प्रमाण मिला है। लेकिन ये बात हम प्रमाणों के आधार पर ही कह रहे हैं। आपको शुभ हो, इतने समय तक आप इंतज़ार करिए, शेष आपका समय शुभ हो। और आप तमाम कॉलर्स ऐसे थे जिनकी कॉल्स नहीं लगी, वो हमें कॉल करना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश नहीं लग पाई, वो मेल आईडी नोट कर सकते हैं और आचार्य जी का फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं, इस पर वो संपर्क कर सकते हैं आचार्य जी से और अपनी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। और कल का जो विषय है, सूर्य का गोचर परिवर्तन हो रहा है, पूरे महीने आपका भाग्य कैसा रहेगा, क्या इसका लाभ होगा क्या हानि होगा, कल का ये विषय है। बहरहाल आज के लिए बहुत धन्यवाद, आचार्य जी अपने स्टूडियो में तमाम दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, बहुत बहुत धन्यवाद।